नमस्कार फ्रेंड, दिस इज शेखर और आप देख रहे हैं शेखर म्यूजिक विद गार्डन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके ज़रिए आप मेरे चैनल में आने वाले पहले वीडियो का अपडेट पा सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेरा जो जर्मिनेशन के लिए जो सीड सब डाला था उसके लिए बात करेंगे, उसको कौन सा सीड में डाला था और कौन सा जर्मिनेशन हुआ है। उससे पहले मैं जो आपके पहले मेरा जो कुकुम्बर प्लांट है उसके बारे में बता दूं। ये देखिए कुकुम्बर हो चुका है और ये देखिए मधुमक्खी भी आ चुके हैं। देखिए बहुत सारा कुकुम्बर हुआ है, कुछ हार्वेस्ट में कर चुका हूँ और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक है और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे नए नए लग रहे हैं। बहुत सारा कुकुम्बर हुआ है और आज मैं कुछ हार्वेस्ट किया हूँ, तूरी और लॉन्ग बीन वो भी मैं बिठा देता हूँ। ये देखिए तूरी, ये छोटे छोटे तूरी जो है, ये लॉन्ग बीन मैं भी हार्वेस्ट किया हूँ। और आज का जो टॉपिक है जर्मिनेशन के बारे में है। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये गजनिया का सीड्स में सीड डाला था, लगभग 10-12 दिन हो चुका है। तो उसमें से निकल के 1, 2, 3, 4 प्लांट निकला है। और ये पिटोनिया का है, पिटोनिया का बहुत छोटे छोटे सीड होते हैं। तो ये देखिए ये है पिटोनिया का, छोटा छोटा हुआ है। और ये देखिए ये 2 दिन पहले मैं डाला था भिंडी का डाला था। ये देखिए जर्मिनेशन हो चुका है, इसलिए मैं इसको धूप में रखा हूँ, लेकिन अभी तो बारिश हो रहा है तो धूप नहीं निकल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये मेरा टमाटर का डाला था, घर में जो टमाटर होता है उसको लेकर डाला था, इसी देखिए जर्मिनेशन हो चुका है। और ये तो मेरा मिर्ची का जो पहले हम वीडियो बना चुका था उसके बारे में। और ये लाल भाजी देखिए, और यहाँ पे एक लॉन्ग बीन का प्लांट निकला है। तो ये मेरा छोटा सा गार्डन है, ये देखिए कितना सुंदर फूल देता है, बहुत सुंदर हुआ है। इसका मैं ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ, सिर्फ 1 वीक में या 1.5 वीक में मैं इसमें थोड़ा सा बोन मील और वर्मी कंपोस्ट दे देता हूँ। तो इसके ज़रिए ये कितना सुंदर प्लांट होके निकला है। ये देखिए यहाँ पे बोन मील भी थोड़ा सा पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे और कुछ बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए थैंक यू, खुश रहिए, आबाद रहिए।